तो सबसे पहले आता है ये आबाज पाखुर, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये आ गया कोंग, फिर ये आ गया, इसको क्या कहते हैं, अजोक। हमारे लोकल जबान में इसको अजोक कहते हैं और ख़ास करके इसको पूरी भी कहा जाता है। इसके बाद ये है भाई पापा। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, जुले नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ के जो है आज के टाइम पे ममानी का जो है सिलसिला यहाँ पे जारी हो रहा है, तो इसके रिलेटेड हम आपको वीडियो दिखाएंगे। तो यहाँ पे तो आपको एक चीज़ बताऊँ, ममानी इज़ नॉट जस्ट ए फेस्टिवल, इट्स ए क्या कहते हैं कि इसमें हम सब अपने भाईचारे को और आपसी जो प्यार होता है उसको शो करते हैं। ये कोई मतलब एक फूड फेस्टिवल ही नहीं है, इसमें हम बहुत सारे अपने भाईचारों को जो यहाँ पे अपना जो बॉन्डिंग होता है उसको शो करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह के टाइम पे, तो स्टार्टिंग से हम ऊपर से जाके हर किसी के घर पे जाके विज़िट करके वहाँ पे खाना खा के तो बढ़िया से आते हैं। तो अभी हमारे साथ में है हाजी इब्राहिम कांगिया। हाजी इब्राहिम साहब, क्या हाल है, ठीक हो सर? तो अभी हमारे साथ हाजी इब्राहिम भी जा रहा है, तो चलो भाई चलते हैं हम। तो ठंड बहुत है अभी, तो यहाँ पे अभी आई थिंक टेम्परेचर जो है -16 है दिन के टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और ठंड है काफ़ी, तो इसलिए ज़्यादा देर तक मोबाइल को मैं होल्ड नहीं कर पाऊँगा हाथ में, क्योंकि काफ़ी ठंड की वजह से हाथ जो है वो ये देखो जम जाता है, सुन हो जाता है। तो चलो आपको दिखाएंगे आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे जो है जो ममानी का सिलसिला होता है और यहाँ पे जो लोकल फूड जो होता है उन सबको आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो भाई आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया उसके लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी शेयर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलो भाई मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। अभी मेरा सांस भी फूल रहा है कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ़, और यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ व शिफाफ पानी है। तो ये देखो भाई लोग, यहाँ पे बर्फ आई थिंक 8 से 9 फीट तक 9 इंच तक यहाँ पे बर्फ पड़े हुए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्फ और बिल्कुल सुनसान विथ हाजी इब्राहिम, ये देख सकते हैं। ठंड कैसा है सर? बहुत बहुत ठंड है भाई, ज़बरदस्त ठंड बहुत है यहाँ पे। तो जैसे कि मोबाइल के टेम्परेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो -16 दिखा रहा है यहाँ पे, तो आई थिंक ऐसा कुछ होगा दिन में, रात को अभी -24 तक चला जाता है, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। ये देख सकते हैं वही कुछ इस तरह का। चलो भाई चलते हैं फिर आगे और दिखाएंगे आपको वहाँ पे जाके, तब तक के लिए आप लोग बने रहे हैं हाथ बिल्कुल सुन हो गया भाई। तो अभी हम आए हैं वहाँ से, ये देखो आपको लोकेशन थोड़ा ये देख सकते हैं, अब हम आए हैं वहाँ से होते हुए यहाँ पे। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं फर्स्ट लोकेशन पे, ठंड बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हैं मेरे हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है, क्योंकि बर्फ़ की वजह से जो है चेहरा जल जाता है पूरा। तो अभी हम आपको लोकल जो है यहाँ पे लोकल फूड थोड़ा बहुत आपको शेयर करेंगे, आपके साथ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है ये आबाज पाखुर, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये आ गया कोंग, फिर ये आ गया, इसको क्या कहते हैं, अजोक। हमारे लोकल जबान में इसको अजोक कहते हैं और ख़ास करके इसको पूरी भी कहा जाता है। इसके बाद ये है भाई पापा, लोकल यहाँ पे जो सबसे पहले लोकल फूड जो होता था पापा है, ये तो फुलवाड़ी आप सब जानते ही होंगे। और ये जो थोड़ा बहुत बिस्किट्स रहा यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत रोटी भी है, और क्या है यहाँ पे हम आपको दिखाने की, ये दही है, दही ये देख सकते हैं। यहाँ पे बिरयानी, ये भी बिरयानी है यहाँ पे, और थर्मस में पूरा चाय है, नमकीन और मीठा दोनों मिक्स करके चाय। ये है सब्जी, सब्जी ये दिखाया मैंने पहले, इसमें क्या है, इसमें भी ये मैगी है,
तो ठंड में अब ये सब आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का, और यहाँ पे सबसे पहले चाय जाएगा। ये देखो बिल्कुल नमकीन चाय, नून चाय बिल्कुल जबरदस्त करके। चाय नहीं पीने का नहीं सारो। तो ये रहा आज के हमारे मामनी के पार्टिसिपेशन, और अली मेहू वाली अभी आ रहा है यहाँ से। देखो यहाँ पे आ गया है हलवा, ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सूजी का हलवा। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। ये तो कुछ स्वीट्स है, और यहाँ पे कुछ बिस्किट्स है हमारा। आज हम आए हैं फिरोज भाई के पास और अब्बास भाई के पास। उसके बाद हम यहाँ से फिर वापस जाएंगे और हमारे चाचा राजा के पास। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। चले ठीक हो? बढ़िया ठीक। पहला हम अब स्टार्टिंग हमारे मामानी का स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल चाचा राजा के पास से। तो चलो भाई, ये मामानी नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, ये जो है खुशी का माहौल है। और पहले भी मैंने आपको कहा यहाँ पे प्यार मोहब्बत बांटा जाता है भाई। तो चलो भाई अब्बास से भी थोड़ा बहुत आज की मामानी के इस रिलेटेड ये देख सकते हैं अब्बास का मुस्कुराहट। तो ये कुछ इस तरह का आज का यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे में, इस तरह करके सारे जगहों पे जाना है हमको। आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलो भाई, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने जो है एक नफर की वहाँ पे हमने कम्प्लीट कर लिया है मामानी। अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे काफिला, और यहाँ पे स्किट करने का भी चांसेस बहुत है, और ठंड भी बहुत है यहाँ पे, और बर्फ भी बहुत ही बढ़िया, और व्यूज आ रहा है। तो भाई लोग बहुत ही बढ़िया रहा यहाँ पे। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं काफिला, यहाँ पे एक कौन है भाई, यहाँ पे एक बंदा है, पता नहीं वो कहीं छुप के बैठा है, शायद कहीं दिख ना जाए उसको। कई डर है बंदे को, कई डर है कि किसी को वो दिख ना जाए, तो इसलिए उसको दिखाना हम नहीं चाहेंगे। तो चलो भाई यहाँ से हम वापस जाएंगे, अब दूसरे जगह पर जाके हम आपको दिखाएंगे। और ठंड से बिल्कुल हाल जो है बुरा हाल हो चुका है, और ठंड काफ़ी यहाँ पे तगड़ा है। तो बहुत ही प्यारा है मौसम क्योंकि ठंड है, तो और क्या कहें भाई यार। तो चलते हैं भाई अगले लोकेशन पे। आप लोग घर बैठे वीडियो को एंजॉय करें, साथ ही साथ हमारे मामानी के जो यहाँ पे लोकल फूड्स जो कि यहाँ पे, उनका भी साथ ही साथ आप लोग एंजॉय करिए, और यहाँ पे साथ ही साथ व्यूज़ का भी लुत्फ उठाइए। बहुत ही प्यारा व्यूज़ आ रहा है। तो चलो भाई चलते हैं अभी यहाँ से। ज़्यादा देर मोबाइल को होल्ड नहीं कर पाऊँगा बिकॉज इट्स सो कोल्ड, सो मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल जम जाता है, बहुत ठंड है। तो इसलिए ज़्यादा हम मोबाइल को होल्ड नहीं करते हुए यहीं पे रखते हैं। आगे जाके हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे लोकेशन पे पहुँचने के बाद ही हम आपको दिखाएंगे। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से। ये देख सकते हो बढ़िया। एज फाइनली वी आर रीचिंग आवर सेकेंड डेस्टिनेशन। तो अभी हम अपने दूसरे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जो कि मेरे घर पे, यानी कि। तो अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे, इसके बाद और सारे हमको जाना है घरों पे, तो ट्राई करते हैं। तो चलो भाई आज के इस मामानी के त्यौहार पे आप सबको फिर से एक बार हैप्पी मामानी। तो पहले भी मैंने एक बार कहा और एक बार फिर कहता हूँ, मामानी खाली एक त्यौहार नहीं है, यहाँ पर हम एक दूसरे का प्यार मोहब्बत और बॉन्डिंग करते हैं। तो चलो भाई आपको दिखाएंगे अभी के यहाँ पर जो प्रेजेंटली क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद से फिर आगे जाएंगे, इसके बाद हम हाजीपुरम के पास जाएंगे, इसके बाद हम काफ़ी और जगहों पे जाना है। तो कानीसार के पास भी जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे कादाकिर के पास भी जाना है हमें। तो चलो भाई देखते हैं यहाँ पे आपको अभी के टाइम पे क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिखाएंगे हम, यहाँ पे ये रहा भाई दही, इसके बाद इसमें आपको मिलेगा ये बातों है, ये पुला है, पुला है पुला। इसके बाद ये कादाकिर आप बताओ ना पापा, ये वाला ये पकौड़ा, ये सकून सकूर, ये पॉपकॉर्न, ये तो स्वीट से कुछ, ये बन है, और वो है फुलवड़ी। तो ये आपको यहाँ पे अभी के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह का, बहुत ही बढ़िया। तो चलो भाई इसको हम जूम आउट करते हैं। प्यार मोहब्बत का चाय हाजी इब्राहिम के साथ। हाजी इब्राहिम का आज थोड़ा क्या कहते हैं तबीयत खराब है, सेहत ठीक नहीं है, नहीं तो हाजी इब्राहिम साहब को थोड़ा बहुत इंट्रो करा देते। उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज हाजी इब्राहिम इज नॉट वेल टुडे। तो ये अपना फिरोज भाई आ चुका है बिल्कुल ही टशन में, देख सकते हैं आप चश्मा लगा के बहुत ही बढ़िया करके। साथ साथ यहाँ से कादाकिर, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी मामानी,
हैप्पी मामानी सर। हाँ जी हैप्पी मामानी। हैप्पी मामानी। ओ थैंक यू सो मच अब्बास भाई। हैप्पी मामानी। हैप्पी मामानी सर। ओके चैनल को क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना। थैंक यू सो मच बड़ी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल अभी के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम करते हैं ये सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट, इसके बाद से आपसे मिलते हैं। तो हमें और भी लोकेशंस पे जाना है, तो आप लोग बने रहे वीडियो में। और जो भी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो भाई यहाँ पे हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो तो इसका बहुत थोड़ा बहुत वीडियो दिखाएंगे, इसके बाद से यहाँ से निकलते हैं फिर दूसरे कई लोकेशन पर जाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया तो गाइस अभी हम गाड़ी निकालेंगे बाहर, तो देखेंगे अब क्या होता है यहाँ पे। Thank you.